किसने किया है मूवी के टाइटल सॉन्ग को कंपोज, कुछ कुछ होता है टू में किसके हाथों होगी गाने की बागडोर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ कुछ होता है टू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। साल 1998 में एक मूवी आई थी, नाम था कुछ कुछ होता है। ये बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक बन गई। करण जौहर की इस डायरेक्शनल डेब्यू मूवी के 24 साल पूरे हो चुके हैं। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल की इस मूवी की न सिर्फ कहानी लोगों को पसंद आई बल्कि इसके गाने भी लोगों के दिल में उतर गए। हाल ही में एक्टर जुगल हंसराज ने बताया कि इस मूवी के टाइटल सॉन्ग का लिरिक्स उन्होंने ही कंपोज किया था। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुगल हंसराज ने एक वीडियो शेयर करके गाने के ओरिजिनल लिरिक्स को भी सुनाया जो उन्होंने लिखा था। जुगल ने दो वीडियो पोस्ट किए, एक में वो ओरिजिनल गाने के लिरिक्स गुनगुना रहे हैं, दूसरे में वो उस मुखरे को गा रहे हैं जिसे उन्होंने ही लिखा था। खैर, गानों की बात छिड़ी ही है तो ये भी डाल लीजिए, आप सबकी मूवी का सीक्वल आ रहा है। अब सीक्वल आ रहा है लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके साथ साथ पुराने गाने भी वापस आएंगे? हाँ, रीप्राइज वर्जन में, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आजकल मोस्टली लोगों को पुराने गाने, ये लोफी रीप्राइज और स्लो रिवर्ब सॉन्ग्स पसंद आते हैं। तो जब किसी मूवी का सीक्वल आता है तो ऑडियंस को मूवी के गाने की बड़ी चिंता रहती है। अब चिंता तो रहेगी ही ना, अब जिसका दिल टूटा होगा उसको चाहिए सैड सॉन्ग अरिजीत सिंह स्टाइल वाला, और जो अभी अभी प्यार में पड़े उन्हें भी तो अपनी महबूबा को डेडिकेट करने होंगे कोई रोमांटिक सा गाना। तो टेंशन नॉट ब्रो, कुछ कुछ होता है क्योंकि मेकर से एक बार फिर उसी म्यूजिक टीम को कास्ट करेंगे जिन्होंने पहले पार्ट में काम किया था। तो कौन थे वो लोग, आइए जानते हैं। कुछ कुछ होता है का म्यूजिक जतन ललित ने दिया था और इस बार भी इनकी ही धुन सुनने को मिलेगी। इसी मूवी से सना सैयद ने भी बॉलीवुड डेब्यू किया था जो मूवी में शाहरुख खान की बेटी के रोल में थी। एक्टिंग के लिए उन्हें खूब तारीफ मिली। बाद में वो करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट के साथ दिखाई पड़ी। प्यार की इस कहानी को हर उम्र के लोगों ने पसंद किया, खासकर इस मूवी की कॉलेज लाइफ वाली स्टोरी लोगों ने खूब एंजॉय की। अब आलम ऐसा है कि बहुत चांसेस है कि इस बार की स्टोरी राहुल और टीना की बेटी यानी अंजलि पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या नया और हटके स्टोरी लाइन होगी मूवी का, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, आप बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।